बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। दोस्तों क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं। ये मैंने एडिनियम रैबिकम के सीड मंगाए हैं थाईलैंड से, 30 वैरायटी हैं यूनिक। उनमें से कुछ ब्लैक स्किन सीड्स हैं और ये ब्लैक स्किन सीड एडिनियम रैबिकम का नाम है ब्लैक पैंथर। तो आज इसे मैं लगाने लगाऊँ, आपको स्क्रीन पे ब्लैक पैंथर प्लांट की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। तो आज मैं इन्हें लगाने लगाऊं और इनको मैं लगाने लगाऊं सीडलिंग ट्रे में। 32 होल वाला सीडलिंग ट्रे है। 32 होल वाला सीडलिंग ट्रे इसलिए चॉइस किया है कि इसके अंदर जो कैविटी है वो काफ़ी अच्छी साइज़ में होती है और सीडलिंग जो है अगले 2 से 2.5 माह आसानी से इसके अंदर ग्रो कर सकता है। 28 मई 2022 आज डेट है और मैं लाहौर में सीडलिंग ट्रे में ब्लैक पैंथर ब्लैक स्किन एडिनियम अरेबिकम के सीड लगाने लगा हूँ। मैंने जो सीडलिंग के लिए पॉटिंग मिक्स चूज़ की है उसमें 4 चीज़ें हैं और बराबर मकदार में हैं, कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट और भल मिट्टी। ये चारों जो हैं बराबर मकदार में हम इस्तेमाल करेंगे और सीडलिंग ट्रे भरेंगे। सीडलिंग ट्रे में क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा होल होता है तो वो पॉमिक स्टोन से उस होल को कवर किया जाएगा ताकि हमारा जो मीडिया है वो ड्रेन ना कर जाए। अब हम ये चारों चीज़ें जो हैं बराबर मकदार में इस टब में डाल के तो मिक्स करेंगे इनको। पहले मैं आधी आधी डालूँगा चारों चीज़ें ताकि मुझे मिक्स करने में दिक्कत ना हो। अब बाकी मटेरियल जो है शीशे के बाउल्स में जो बचा हुआ है वो इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त मेरे जानने वाले ग्रुप मेंबर्स जो हमारा पाकिस्तान एडिनियम सोसाइटी का ग्रुप है, किंग्स एडिनियम का जो ग्रुप है, उसके अंदर मुझसे यही सवाल करते हैं कि लाहौर के अंदर एडिनियम को कैसे सर्वाइव किया जाए। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए है जो लाहौर में एडिनियम के सीडलिंग्स लगाने में जिनको दुश्वारी होती है। अब इन चारों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है वो मीडिया बन गया है और इसकी वाटर ड्रेनेज भी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि आगे 2 से 3 रोज़ के बाद जून शुरू हो रहा है तो परलाइट और कोकोपीट जो है वो अपने अंदर वाटर रिटेन रखेगी ताकि जो है अगर हम दिन में 2 दफ़ा भी इन पे पानी स्प्रे करें सीडलिंग्स पे तो इनको पानी की कमी महसूस ना हो। जी ये हमारा मीडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है, जिसमें हमने एडिनियम अरेबिकम ब्लैक पैंथर के सीड्स लगाने हैं। ब्लैक पैंथर की तस्वीर आपको फिर चंद लम्हे के लिए स्क्रीन पे नज़र आएगी। अब हम इस सीडलिंग ट्रे को फिल करेंगे। गलती हो गई, पहले इसके नीचे हमने सीडलिंग ट्रे को फिल करने से पहले इसके अंदर पॉमिक स्टोन डालने हैं। ये थोड़े थोड़े पॉमिक स्टोन जो हैं वो तमाम होल्स में डालने हैं।
कॉमिक स्टोन मैंने तमाम होल्स में डाल दिए हैं, तो अब मैं इनमें ये पॉटिंग मिक्स भर रहा हूँ। मैंने अंदाजे से ये पॉटिंग मिक्स बनाया है, अल्लाह करे कि ये पूरा हो जाए, नहीं तो मज़ीद हमें थोड़ा थोड़ा ये सारा सामान मिक्स करना पड़ेगा। चलो अब बड़े नरम हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना है। जो तो ज़्यादा प्रेस हो गए हैं उनके अंदर मज़ीद थोड़ा सा ये जो पोटिंग मिक्स है हमने और ऐड कर देना है। ये दो तीन होल हैं जिनके अंदर गुंजाइश है, इनके अंदर मज़ीद हमने जो है वो मटेरियल ऐड करना है। अच्छा जी, ये 32 होल्स हैं और 32 ही ब्लैक पैंथर के मेरे सीड हैं, और इनको मैंने 24 घंटे से फंगीसाइड वाले पानी में भिगो के रखा हुआ है। अब एक दफ़ा मैं पहले पानी लगाऊंगा, फिर इन सीड्स को जो है इनका ऊपर से छिलका और झिल्ली उतारेंगे, और फिर इनको ही डायमेंशन जो है वाजह हो जाएगी कि रूट कहाँ से निकलेगी और लीफ कहाँ से निकलेंगे, फिर हम इनको स्ट्रेट इसके अंदर लगाएंगे। ये जी हम एक दफ़ा फिर पानी दे रहे हैं इनको। अभी ये अगले 4-5-6 दिन जब तक जर्मिनेशन भरपूर स्टार्ट नहीं हो जाती, तो ये सीडलिंग ट्रे जो मैंने इंडोर अपने टीवी लॉन्च में ग्रो लाइट के ज़रिए सेटअप बनाया हुआ है उसमें रहेगा। जब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे भरपूर रोशनी होगी लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी, और एक हफ़्ते के बाद फिर हम इसे ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे जहाँ पे सनलाइट होगी लेकिन ग्रीन नेट से होती हुई सनलाइट इनको मिलेगी। अब हमने इनमें होल कर लेने हैं क्योंकि मैंने वर्टिकल सीड लगाने हैं, सीड्स का ऊपर से छिलका उतार के झिल्ली उतार के उसकी डायमेंशन वाजह हो जाती है कि रूट्स कहाँ से डेवलप होनी है और लीव्स कहाँ से डेवलप होने हैं, तो इस हिसाब से हमने सीड जो है इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। उसके लिए मैं सुराख पहले से कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे एडीनियम अरेबिकम ब्लैक पैंथर के सीड हैं जिनको मैंने 24 घंटे पहले से भिगोया हुआ है। ये मैंने इसका छिलका उतार दिया है, अब इसको बड़ा जेंटली सा ऐसे प्रेस करना है। तो ये देखेंगे, इसकी झिल्ली एक तरफ से उतर गई है और ये दूसरी तरफ से भी झिल्ली उतर गई है, और ये मुझे वाजिया नज़र आ रहा है कि ये जो ये वाला एंड है इसका, इधर से इसके लीफ डेवलप होंगे और ये वाला जो एंड है इधर से इसकी रूट्स डेवलप होंगी। तो मैं इनको वर्टिकली जो है वो लगा दूंगा। पहले होल में दाई तरफ से हम शुरू करते हैं। ये जी पहले होल में हम अब सीड इंसर्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो कोकोपीट ऐड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट एक चुटकी इसके ऊपर।
ये देखें जी, ये दूसरा सीड जो है ये भी हमारे सामने आ गया है, और ये वाली जो साइड है इसकी, ये टॉप साइड है और ये बॉटम साइड है जहाँ से रूट्स डेवलप होंगी, और इसको भी मैं सीधा इंसर्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर भी एक चुटकी कोकोपीट। जी दोस्तों, ये आखिरी दो बीज रह गए हैं जो मैं लगाने लगा हूँ, और 32 होल्स में 32 सीड अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा दिए हैं अडीनियम ब्लैक पैंथर के। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सीड्स मैंने मंगाए हैं थाईलैंड से, ये लास्ट होल बचा है जिसके अंदर अब हमने बीज लगाना है, और लास्ट सीड है। पहले इसके ऊपर से इसका छिलका उतारना है, फिर ये एक बारीक सी झिल्ली होती है ये उतारनी है, फिर आपको सीड की डायमेंशंस वाजह हो जाएंगी कि ये वाली जो साइड है यहाँ से लीफ डेवलप होने हैं और ये वाली जो साइड है यहाँ से रूट्स डेवलप होनी है। तो इसको हम वर्टिकली जो है सीड को लगाएंगे इस तरह से, जो पहले से हमने होल बनाया हुआ है, और ये सीड को मैंने खड़ा कर दिया। अब इसको मैंने कोकोपीट से कवर कर दिया। पानी हम पहले भी दे चुके हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सीड आप लोग 24 आवर, 6, 8, 10 घंटे पानी में भिगो के लगाते हैं, उनको नॉर्मल सीड से शुरू के 2-3 दिनों में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसकी जो जर्मिनेशन की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो गई होती है भरपूर वाटर में। अब हम इसको फंगीसाइड वाला पानी देंगे लास्ट में। सारे के सारे सीड अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं। अब ये लास्ट शावर हम इसके ऊपर जो है वो फंगीसाइड वाले पानी का कर रहे हैं। अब अगले 2 से 3 दिन इसको किसी किस्म के भी पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने मीडिया बनाया है इसके अंदर परलाइट है, नीचे हमने पॉमिक्स डाले हैं,
क्यूमिक स्टोन डाले हैं नीचे, और परलाइट, भलमट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का ये मिक्सचर बनाया है। ये सारे का सारा सामान जो है, जो मटेरियल है, ये वाटर को अपने अंदर महफूज रखेगा। अगले 2 से 3 दिन किसी किस्म के भी पानी की इसको ज़रूरत नहीं रहेगी। अगले 3, 4, 5 दिन जब तक इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती, ये मेरे इंडोर सेटअप में रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं इसकी अपडेट आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।